शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। केजरीवाल की रात ईडी दफ्तर में बीती है। रात भर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर में ही रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल भी हुआ था। रात में केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ नहीं की है। आज अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम दूसरे राउंड की पूछताछ करने वाली है। ईडी सुबह 8 बजे से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना शुरू कर देगी। कल रात ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और केजरीवाल के गैजेट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। यानी कि आज एक बार फिर से जो दूसरे राउंड की पूछताछ है वो होने वाली है। सबसे बड़ी खबर यह है कि उनकी रात ईडी हेडक्वार्टर में ही बीती है। अब आज उन्हें थोड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलने की। आपको मैं ये बता दूं कि आज दो अहम चीजें जिस पर नजरें रहने वाली हैं, एक ये कि जब सुबह पूछताछ शुरू हो जाने वाली है और दूसरा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10:30 से 11 बजे शुरू हो जाएगी। अब चलिए आपको मैं बताती हूं कि कल किस तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, यानी कि पूरी टाइमलाइन क्या कहती है, अब ये आप समझ लीजिए। शुरुआत शाम 7 बजे से होती है जब अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई। शाम 7:30 बजे यानी कि ठीक आधे घंटे के बाद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। शाम 7:45 पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंच गए। केजरीवाल के घर पर वो पहुंचे और फिर 7:50 पर सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर के भीतर जाने से रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया अंदर। 8:15 बजे 8:15 पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों की जबरदस्त वहां पर नारेबाजी हुई। शाम 8:20 पर केजरीवाल के घर के पास धारा 144 पूरी स्थिति को देखते हुए लगा दी गई। और फिर रात 9:14 का वो वक्त जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 11:31 पर ईडी दफ्तर लाए गए अरविंद केजरीवाल। रात 12:10 पर केजरीवाल का मेडिकल चेकअप हुआ है। ईडी दफ्तर में केजरीवाल की रात बीती है। आज एक नया दिन है और इस नए दिन के साथ उम्मीद आम आदमी पार्टी को, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को, ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होने जा रही है, चूंकि कल ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का, जल्दी कैसे हियरिंग इसमें हो जाए इसकी तमाम कोशिशें की गई। 10:30 से 11 बजे का आज वक्त बताया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। क्या अरविंद केजरीवाल को ऐसे वक्त में जब ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कोई राहत यहां से मिलती हुई कानूनी तौर पर दिखाई देती है, इस सब पर नजर बनी रहेगी। इन सबके बीच में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आज राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होने वाली है। राउस एवेन्यू कोर्ट से ईडी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हो सकती है। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि वो फिजिकली लाए जाएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। कोर्ट के बाहर आपको मैं ये बता दूं कि भारी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, वो प्रदर्शन की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं, उसमें कोने कोने से कैसे लोगों को जोड़ा जाए वो ये अपील कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए ये सुनिश्चित किया गया है। इसीलिए सबसे बड़ी खबर है राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होने वाले हैं। और राउस एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त मेरी सहयोगी प्रियंका कांतपाल मेरे साथ जुड़ गई हैं। ईडी दफ्तर के बाहर से मेरे साथ मानव और मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपका रुख कर रही हूं। प्रियंका, राउस एवेन्यू कोर्ट आज उन्हें लाया जाना है, क्या सबसे पहले ये बताइए कोई खबर मिल रही है कि उनके क्या सुरक्षा को देखते हुए फिजिकली लाया जाएगा या वीसी के जरिए हो सकता है पेशी हो जाए? देखिए, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है लवीना, उससे ये अंदेशा ज्यादा लगाया जा रहा है कि इनकी जो पेशी है उसको विजुअल माध्यम से कराया जाएगा। और इसका कारण क्या है, किस तरीके की सिक्योरिटी इंतजाम है, आप देखिए कोर्ट की ऑपोजिट साइड में खड़ी हूँ और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट के पीछे कोर्ट तक आने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा राउस एवेन्यू कोर्ट और आम आदमी पार्टी दफ्तर की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर से कम की यहाँ पर दूरी है। और आम आदमी पार्टी दफ्तर में आज 10 बजे कॉल किया गया है, प्रोटेस्ट का बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर कॉल किया गया है। उसके मद्देनजर आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आने वाला पूरा रास्ता और सिटी से जो बन रहेगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के ऐलान के बाद बीजेपी मुख्यालय के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैरिकेडिंग अप कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर बीजेपी दफ्तर से सीपी जाने वाले रास्ते को
रोक दिया गया है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोच के रास्ते में भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रदर्शन का एक कॉल किया गया है और कोने कोने से बुलाया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और ये भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी को देखते हुए आप इस प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन क्या होने वाला है इसी को देखते हुए कोई सुरक्षा में कमी न रह जाए, चूक ना हो जाए, इसी को देखते हुए आपको मैं बता दूं राउज एवेन्यू को जहां उन्हें लाया जाना है उसके रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है। बीजेपी मुख्यालय के पास बकायदा ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी बैरिकेडिंग है, यानी कि आवाजाही को भी रोक दिया गया है। आनंद और मानव का मैं रुक करूं एक बार फिर से, लेकिन प्रियंका के पास जा रही हूं। प्रियंका, बैरिकेडिंग हो चुकी है, अब ये माना जाए कि सुरक्षा के इस लिहाज से भी पुख्ता बंदोबस्त है क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन भी आज होने वाला है। जी बिल्कुल, और यही हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि ये राउज एवेन्यू कोर्ट है और 500 से 800 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और ऐसी ही दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय भी है। बिल्कुल बीच में ये राउज एवेन्यू कोर्ट पड़ता है, पीछे की तरफ इसकी एंट्री है। ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को तो पूरा बंद कर ही दिया गया है। आप देखेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी किस तरीके से बैरिकेड्स को लेकर आया गया है। हालांकि ये बैरिकेड्स यहाँ पर बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिए जाते हैं जब यहाँ पर कोई नेता जिनकी पेशी होनी, और ऐसे में आज हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है, बैरिकेड पूरे रास्ते को किया है। सुरक्षा की बात हो, कोर्ट की बात हो, या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुख्यालय बने रही है, हमारे साथ में लौटूंगी आपके पास। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ये सबसे बड़ी खबर है। यहीं से राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी को है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। केजरीवाल की लीगल टीम के सूत्रों की अगर माने तो सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए यहां पर मेंशन करने वाले हैं, लेकिन क्या इस सुनवाई के बाद कोई राहत मिलेगी ये देखना होगा। आनंद तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या सुनवाई जब यहां पर होगी तो राहत की उम्मीद की जा सकती है, दूसरी बात ये कि ईडी की क्या तैयारी यहां से दिखाई देती है। अगर इस केस में मैं पहले देखूं तो जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है बहुत जल्दी छूट नहीं पाए हैं वो। देखिए बिल्कुल लवीना, जिस तरह से कल जो एडिशनल डायरेक्टर हैं कपिल राज, उनकी टीम जब ईडी के अधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल के निवास पर दाखिल होती है और उसके बाद जब 9 बजे उनको गिरफ्तार किया जाता है तो बाकायदा उन्हें उनकी गिरफ्तारी का आधार बताया जाता है। ये एक पीएमएलए की कानूनी प्रक्रिया है कि आपको पीएमएलए के इन इन सेक्शन में इन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। ईडी के अधिकारियों की कल एक लंबी बैठक चलेगी कि किस तरह से अगर अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया है तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अगर ये सुनवाई होती तो वहां पर किस तरह के दस्तावेज या जो ईडी की तरफ से जो है वो जानकारी वहां पर साझा की जाएगी, उसको लेकर भी पूरी तैयारी ईडी के अधिकारियों ने कर रखी है। और जैसा कि ईडी सूत्रों ने बताया है कि सुबह 8 बजे ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू होगी। कल एक रात में मेडिकल की टीम आई थी आरएमएल अस्पताल की, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का मेडिकल करा और ये हेडक्वार्टर में उनका मेडिकल हुआ था। सुबह भी जब उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जाएगा या उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाएगी उसके पहले भी एक बार जो एक प्रक्रिया होती है कानूनी, उनका मेडिकल कराया जाएगा। आरएमएल से डॉक्टरों की टीम आएगी और यहीं पर ईडी हेडक्वार्टर में ही उनका मेडिकल होगा। बता दें कि लवीना, इस ईडी हेडक्वार्टर में जो नया ईडी हेडक्वार्टर बना है यहाँ पर 2 लॉकअप हैं और उसमें से एक लॉकअप में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। रात में उनसे कोई पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने नहीं की है और आज ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड जो है वो ईडी जो है अरविंद केजरीवाल की मांगेगी और इस दौरान उनसे कई आरोपियों का कन्फर्म जो है वो भी कराया जा सकता है। जैसे कि हमने ईडी का एक ऑफिशियल प्रेस नोट देखा था जो अभी के कविता की गिरफ्तारी के बाद आया था, इसमें सीधे तौर पर ईडी ने ये आरोप लगाए थे कि किस तरह से प्रोसीड ऑफ क्राइम में जो किकबैक मिली थी 100 करोड़ रुपए की वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिली और किस तरह से पहली बार ऐसा मौका था आनंद की ऑफिशियली तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल रहा।